बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आउटलाइन में हम देखेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेराइट मटेरियल्स, इनके क्या बेनिफिट हैं, क्यों यूज करते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक टर्म्स, ओहम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स एंड फ्यू अदर आइटम्स आर देयर एज वेल। मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्वालिटीज क्या हैं, कौन से मटेरियल्स क्वालिफाई करते हैं बीइंग अ मैग्नेटिक मटेरियल। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट। एग्जांपल्स आर आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मटीरियल्स की डेफिनेशन हो गई। और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या है, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मटीरियल, टुवर्ड मैग्नेट्स। They cannot be converted either into temporary or permanent magnets. And examples are plastic, rubber, glass, etc. अच्छा, magnetic materials को हम categorize करते हैं तीन मुख्तलिफ types में। They are ferromagnetic materials, paramagnetic materials and diamagnetic materials. ये भी difference आ जाता है कि दफा exams में के एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। और हमने इनको जो डिवाइड याद रखना है, आपने जो डिवीजन किया है ना बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रेंथ की है कि कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये हैं या बन सकते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट। पैरा मैग्नेटिक, ये मीडियम स्ट्रेंथ के मैग्नेट्स होते हैं और मीडियम स्ट्रेंथ की फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। डाया मैग्नेटिक, दे मेक वेरी वीक मैग्नेट्स। ठीक है, अच्छा, अब मैग्नेटिक मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी है जो हमने इंडक्टर्स में भी पढ़ी थी, परमेबिलिटी। ठीक है, देयर एबिलिटी टू अलाउ फ्लो ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू देम। जिस जो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को जितनी इजीली पास करने देगा, अपने अंदर से गुजरने देगा, उसकी परमेबिलिटी उतनी हाई है, वो ज्यादा बेहतर मटीरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स के एग्जाम्पल्स देखें, आयरन, कोबाल्ट, स्टील एंड निकल एंड सम अलॉयज टू। पैरामैग्नेटिक में हमारे पास है एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज। डायमैग्नेटिक में है सिल्वर, गोल्ड, जिंक, मर्करी, कॉपर एक्सेट्रा। ये स्लाइड आप लोगों ने याद कर लेनी, अच्छी तरह मेमोराइज कर लेनी। अच्छा जी, फ्राइट मटेरियल्स देखें। अब ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है, ये फ्राइट मटेरियल का बना हुआ है। अब जो भी कोर्स होती हैं या मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनमें से क्या चीज, किस चीज ने पास करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स ने, मैग्नेटिक फ्लक्स ने। और हम चाहते हैं कि वो फ्लक्स इजीली पास हो, उसके लिए कोई रिलेक्टेंस, कोई हिंड्रेंस, कोई स्टॉपेज ना हो। तो फेराइट मटेरियल बनाए गए थे बिकॉज ऑफ देयर हाई परमेबिलिटी। और ये बनते कैसे हैं, देयर इज ग्राइंडेड, ग्राइंडेड मीन्स पिसा हुआ। ठीक है ना, ग्राइंडिंग करती है ना खवातीन घर में, तो ग्राइंडेड पिसा हुआ फेरस ऑक्साइड होता है एंड इट इज मिक्स्ड विद अल्कलाइन अर्थ मटेरियल लाइक रेडियम एंड बेरियम के साथ इसे मिक्स कर देते हैं। तो पाउडर फॉर्म में होता है ये, और इसके बाद इसे फिर प्रेस किया जाता है जिस भी शेप में चाहिए, रिंग टाइप चाहिए, कोर टाइप चाहिए, सिलेंडर टाइप चाहिए, जिस भी फॉर्म में चाहिए, उसे प्रेस करके बेक कर देते हैं डिजायर्ड शेप और डिजायर्ड टेम्परेचर पे। तो इसके रिजल्ट में हमें दो बेनिफिट मिलते हैं, दो बेनिफिट मिलते हैं फ्राइट मटेरियल से, फ्राइट कोर से। नंबर वन है हाई परमेबिलिटी, और दूसरा बेनिफिट मिलता है लो एडी करंट लॉसेस। ये आपने याद कर लेना है, एडी करंट लॉसेस इसमें कम हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is reduced। ये दो बेनिफिट हमें मिल जाते हैं फ्राइट कोर्स से। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट क्या है कि दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉरएवर इफ दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू हीट, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, डीमैग्नेटाइजेशन और इंडक्शन। ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट हैं, ये अपनी मैग्नेटिज्म को कीप करते हैं, लाइक कोबाल्ट, स्टील मैग्नेट और आयरन के भी मैग्नेट है। इन्हें वन टाइम मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो ये फिर फॉर एवर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ये मैग्नेट ही रहते हैं।
जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं, कि दे कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से, दैट आयरन जो कोर है इट विल बी टर्न इनटू अ मैग्नेट, और जैसे ही रिमूव करेंगे एक्सटर्नल सोर्स को, करंट को रिमूव कर देंगे कॉइल में से, ये दोबारा नॉन मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, दे आर यूज इन रिलेज, बजर्स, बेल्स, लिफ्टिंग मैग्नेट्स। जो पोर्ट होती हैं, सी पोर्ट, इन पे भी कंटेनर्स को लिफ्ट करने के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रो मैग्नेट्स यूज होते हैं, जो आयरन के कंटेनर्स को उठा लेते हैं। और वो एक बड़ा सा रिंग होता है आयरन का, सॉफ्ट आयरन का, और उसके आसपास क्वाइल लिपटी होती है, इलेक्ट्रिक क्वाइल। जैसे ही उस क्वाइल में से डीसी करंट फ्लो करता है, तो ये जो मैग्नेट आयरन है इट इज टर्न इनटू मैग्नेट। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, बिकॉज दे दीज मटीरियल टर्न इनटू मैग्नेट्स विद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल इलेक्ट्रो मैग्नेट, ये एक सिंपल इलेक्ट्रो मैग्नेट की एग्जाम्पल है, इस स्लाइड को देखें आप। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल है, सेंटर में एक हमने नेल ले लिया है, आयरन नेल, स्टेनलेस स्टील का नेल नहीं लेना, आयरन नेल लेना है, और उसके ऊपर एक जो है एनामल्ड कॉपर वायर, ये हमने वाउंड कर दी, एनामल्ड कॉपर वायर, और ये हमारे पास बैटरी है, डीसी सोर्स है। और अब ये क्या होगा, दिस आयरन नेल विल टर्न इंटू एन इलेक्ट्रो मैग्नेट। जैसे करंट फ्लो करेगा तो ये आयरन नेल मैग्नेट बन जाएगा, जैसे ही करंट स्टॉप करेंगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल के, और हमारी जो वोल्टेज सोर्स है उसके वोल्टेजेस पे, और इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आई। डीमैग्नेटाइजिंग और डीगाजिंग। अब डीमैग्नेटाइजिंग मीन्स हमारे पास एक मैग्नेट है और हमने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करनी है, उसे हमने उसका जो मैग्नेटिज्म है उसे रिमूव करना है, इसे डीगाजिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कॉस्टली भी है, इट इज नॉट ईजी टू रिमूव मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट। चार टेक्निक्स यूज होती हैं, चार वेज मैथड्स है किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जो फर्स्ट वन है इज रफ हैंडलिंग। रफ हैंडलिंग मीन्स अगर आप मैग्नेट को बार बार जमीन पे गिराएंगे, उसका मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, या फिर आप अगर उसे हैमर से मारते हैं उससे भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जो नेक्स्ट एक और टेक्निक है बाय हीटिंग। अगर हम किसी भी मैग्नेट को गर्म करते हैं तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म है, वो खत्म हो जाएगा। आयरन के लिए टेम्परेचर है 770 सेल्सियस, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगा। थर्ड जो टेक्निक यूज होती है, दिस इज इंडक्शन। इसमें क्या होता है, हम जो मैग्नेट्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रखते हैं, ठीक है, साउथ पोल के पास साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और इस स्ट्रेस, इस मैग्नेटिक लाइक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मटीरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। और जो फोर्थ टेक्निक यूज होती है डीमैग्नेटाइजिंग के लिए, वो है टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मटेरियल में से, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है दैट वैनिशेस। ये देखने आप, ये दो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ये क्या करती हैं, इनके अंदर ये डीमैग्नेटाइजिंग और डीगॉजिंग मशीन्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं टू डीमैग्नेटाइज अ गिवन मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक शील्डिंग। अच्छा जी, आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड हैज एबिलिटी टू पास थ्रू ऑलमोस्ट एनी मटीरियल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल्स को इफेक्ट कर सकती है, इसमें एबिलिटी है। तो हम फिर क्या करते हैं, जो मटेरियल, जो हमारे इक्विपमेंट, जो सर्किट्स, दे आर सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग कर देते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग कर देते हैं। कैसे होती है, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये देखें, नॉर्थ पोल,
साउथ पोल, और इसके दरमियान में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक आयरन रिंग रख दी है, और जो भी हमने इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करना है वी विल प्लेस इट इनसाइड दिस आयरन रिंग। ये हमारा सर्किट हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा जी। अब होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं दे विल ट्राई टू पास थ्रू अ मटेरियल दैट हैज वेरी हाई परमेबिलिटी। ठीक है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी है इट इज मच मच हायर देन एयर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल टेंड टू पास थ्रू आयरन कोर, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड वी विल गेट अ रीजन दैट इज फ्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक शील्डिंग। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का तो आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, एंड देन यू विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, से फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, एंड इट्स यूनिट इज वेबर, याद रखनी है आपने, यूनिट इज वेबर। फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इट इज डिनोटेड बाय बी, एंड इट इज फ्लक्स फाई, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, डिवाइडेड बाय द एरिया फ्रॉम वेयर दिस फ्लक्स इज फ्लोइंग, इट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। मीन्स फ्लक्स कितना डेंस है, इट्स यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वेयर और टेस्ला। टेस्ला इन निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक फील्ड्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काफी काम किया, तो आफ्टर हिज नेम जो ये यूनिट है रखी गई है टेस्ला, यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वेयर, ये भी हो सकती है और टेस्ला भी हो सकती है। यूनिट्स आपने अच्छी तरह याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नेटिक सर्किट्स की, मैग्नेटिक फील्ड्स की, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो यूनिट्स है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको प्रॉपरली मेमोराइज करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट है वेबर, ये भी एक फिजिशियन, एक साइंटिस्ट के नाम पे, एंड फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वेयर और टेस्ला। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एरिया का है। फ्लक्स डेंसिटी में वी डिस्कस एरिया, और जबकि वेबर में वी ओनली टॉक अबाउट फ्लक्स इटसेल्फ। अब नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, इट इज डिनोटेड बाय एच। ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर वेबर और एम्पियर टर्न्स पर मीटर्स, ये एटी बाय एम क्या है, इट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, फार्मूला इसका देखें, ये आगे यूज भी होगा न्यूमेरिकल्स में। एच मींस मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्वाइल। ठीक है, एम्पियर पर मीटर भी कह देते हैं, और लेकिन ज्यादा प्रॉपर यूनिट, मोस्ट कॉमन यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर्स। एम्पियर टर्न्स पर मीटर कैसे आया, करंट की यूनिट एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स टी, लेंथ की यूनिट मीटर, सो एम्पियर टर्न्स पर मीटर। इस फार्मूला को मेमोराइज कर लें क्विकली, फिर आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। परमेबिलिटी एंड रिटेंटिविटी, ये दो टर्म्स हैं, ये यूज होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स में। परमेबिलिटी एंड रिटेंटिविटी, परमेबिलिटी पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स थ्रू इट्सेल्फ विद अ ग्रेट ईज, ठीक है, इट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी मीन्स परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये फार्मूला आपने याद रखना। ठीक
ठीक है, ये भी यूज होगा कैलकुलेशन में. परमेबिलिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी. एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू फिक्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जबकि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. आयरन की डिफरेंट होगी, ठीक है, कोबाल्ट की, निकल की, हर मटेरियल की डिफरेंट होगी, और जो फेराइट कोर्स हैं उनकी भी डिफरेंट होगी. अच्छा, अब रिटेंटिविटी किसे कहते हैं? रिटेंटिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म. रिटेन मीन्स कीप, टू कीप, कीपिंग इट्स मैग्नेटिज्म. रिटेंटिविटी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी. प्रॉब्लम, कैलकुलेट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील व्हेन इट्स रिलेटिव परमेबिलिटी इज 400. पढ़े इस प्रॉब्लम सेट को, सॉल्व करना समझे पहले, फिर सॉल्व करते हैं. Methods of demagnetization. The magnetic ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज करेंगे. वी हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील व्हेन इट्स रिलेटिव परमेबिलिटी इज 400. सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर. ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 400 इट इज गिवन हियर, और ये जो म्यू नॉट है एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी, इसकी जो फिक्स वैल्यू है डेट इज, याद रख लेनी आप लोग, 4 पाई इंटू 10^-7. ठीक है, और यूनिट है इसकी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 400. तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप लोगों ने कर लेनी है. इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो ये वैल्यू है 4 पाई इंटू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया. नेक्स्ट देखें हिस्टेरेसिस. ठीक है, हिस्टेरेसिस क्या है? हमारे पास ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल्स की. मींस जब हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो एक प्रॉपर पाथ फॉलो होता है, BH कर्व कहते हैं उसे, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो सेम पाथ फॉलो नहीं होता. दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस. अगर हम मैथमेटिकली या ग्राफिक टर्म्स में बात करें, ठीक है, वी हैव BH कर्व. ये ऐसा कर्व बनता है मैग्नेटाइजिंग का और ऐसा बनता है डीमैग्नेटाइजिंग का. इट इज कॉल्ड BH कर्व. फ्लक्स डेंसिटी बी आपको पता है, फ्लक्स डेंसिटी है, एच इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ है. ठीक है, और जो एरिया अंडर कर्व है इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस. ये जो एरिया अंडर कर्व है इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड करता है दो चीजों पे. हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स अपॉन बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है,
फ्लक्स डेंसिटी, यूनिट क्या थी फ्लक्स डेंसिटी की, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन मैग्नेटिज्म, इस पॉइंट को समझ लें, पॉइंट नंबर टू को, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन मैग्नेटिज्म। हिस्टैरिसीस ओरिजिनेट क्यों हुआ, जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की किसी भी मटेरियल पे, अज्यूम करें आयरन पे, इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कर्व, ये पाथ फॉलो हुआ मैग्नेटाइजेशन का। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया, द अदर पाथ इज बीइंग फॉलोड, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट हाफ ये हो गया सेकेंड हाफ। तो अब ये जो लॉस है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन मैग्नेटिज्म, कि हमारा जो मटेरियल है, जो कोर है, उस पर हम कितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं डायरेक्शंस में, नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ। अगेन फ्यू मोर डेफिनेशंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इज डिनोटेड बाय एस and its unit is ampere turn per weber or henry inverse। reluctance kya hai, jaise electrical circuits mein humne resistance padhi thi, resistance kya thi, hindrance to the flow of electrical current, isi tarah hindrance or stoppage to the flow of magnetic flux is called reluctance, it is denoted by s, aur electrical circuits mein it is counterpart of resistance, electrical circuits mein resistance hoti hai, magnetic circuits mein hamare paas रिलक्टेंस होती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। यूनिट क्या है, पर हेनरी और एम्पियर टर्न्स पर वेबर, वेयर एज रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, परमियंस, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कर्ली पी कैपिटल एंड यूनिट इज हेनरी। परमियंस क्या है, परमियंस रिलक्टेंस का ऑपोजिट है। रिलक्टेंस क्या था, स्टॉपेज टू मैग्नेटिक फ्लक्स है, और परमियंस क्या है, अबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स टू पास थ्रू इट इजीली, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कर्ली पी, ऐसे इसे डिनोट कर देते हैं। यूनिट क्या है, हेनरी, इट इज कॉल्ड परमियंस। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इट इज काउंटर पार्ट ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस था, काउंटर पार्ट रिलक्टेंस का, और कंडक्टेंस है परमियंस का काउंटर पार्ट। थर्ड डेफिनेशन देखें, रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी किसे कहते हैं, रिलक्टिविटी इज रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, अभी हमने इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। तो रिलक्टिविटी is equal to 1 by permeability, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन हैं, ये आपने याद भी करनी है और इन्हें प्रॉपरली, इनका डिफरेंस भी समझना है और आपस में कंफ्यूज नहीं होना, और यूनिट्स भी इनके डिफरेंट हैं। ओहम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का ओहम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। Here we have voltage, ठीक है, और इसे हम V से denote करते हैं, और इसका दूसरा नाम EMF भी है, electromotive force. Electromotive force means voltage, आपने confuse नहीं होना। Second quantity formula में जो use होती थी, it was current, denoted by I, and unit is ampere. Third quantity जो use होती थी ohms law में, that was resistance, and unit was ohm. अब magnetic circuits का ohm law देखें जरा गौर से। जैसे यहाँ पे EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वी हैव हियर MMF, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। वोल्टेज की यूनिट V थी, वोल्ट्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स की यूनिट है एम्पियर टर्न, ठीक है। एंड MMF का फार्मूला क्या है, MMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। नंबर ऑफ टर्न्स किसके, वो जो कॉइल हमने वाइंड किए सिलेंडर के ऊपर, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय phi वेबर, और ये किसका काउंटर पार्ट है, करंट का। थर्ड
resistance R ohm, and here we have a reluctance denoted by S, and unit is per Henry, H minus 1. इस स्लाइड को देखें केयरफुली, ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आगे निरेट करता हूं ओहम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स। ओके, वोल्टेज का क्रॉसपोंडिंग है मैग्नेटोमोटिव फोर्स यूनिट एम्पियर टर्म्स, करंट का क्रॉसपोंडेंस क्रॉसपोंडिंग क्वांटिटी मैग्नेटिक सर्किट्स में है मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई वेबर, और रेजिस्टेंस की है रिलक्टेंस एस, यूनिट है पर हेनरी। ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है, कंटिन्यू। एज्यूम करें ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोर है, ये कोर है मैग्नेटिक मटेरियल की, और इसकी लेफ्ट साइड पे एक वाइंडिंग है विद एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यहां हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया प्लस माइनस, ठीक है, वोल्टेज से कनेक्ट किया, जैसे कनेक्ट करेंगे यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट विल फ्लो थ्रू दिस मैग्नेटिक मटेरियल और थ्रू दिस कोर, ठीक है। तो फ्लक्स फाई मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF दैट इज प्रोड्यूस दैट इज बीइंग जनरेटेड इनसाइड द वाइंडिंग इटसेल्फ, और ये जो कोर मटेरियल है ये जो हिंड्रेंस ऑफर करेगा इस फ्लक्स को इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, इज कॉल्ड रिलक्टेंस डिनोटेड बाय S, वो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जो रिलक्टेंस S है इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स। ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स, MMF इज इक्वल टू फाई फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस S, और क्रॉसपोंडिंग इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ क्या था, वोल्टेज V इज इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R, ठीक है। MMF इज इक्वल टू, अब ये याद कर लेना है क्योंकि जो हम मैग्नेटिक सर्किट्स सॉल्व करेंगे उसमें ये फार्मूला यूज होगा, MMF इज इक्वल टू phi into S. What is S? S is a reluctance. Phi, magnetic flux. MMF, magnetomotive force. Problem dekhen. A mild steel ring having cross-section area of 5 cm square. Important information ko hum circle karte jaate hain. And mean circumference of 40 cm. Has a coil of 200 turns. ये क्या हो गया, N हो गया, and wound uniformly around it. Calculate reluctance of the ring. We have to calculate reluctance. We have to calculate S. ठीक है, current required to produce flux of 800 Weber. Flux is given. Right. We need to calculate I. That is required to produce this particular flux. Take relative permeability of mild steel 380. Mild steel का ring, ठीक है? तो ये problem आपने समझना और इसे solve करना, ये आपकी assignment है। Otherwise अगर solve नहीं होगा तो next lecture में मैं आप लोगों को solve करवा दूंगा। अभी ये session खत्म होने वाला है। आप लोगों ने अपनी attendance mark कर देनी है model पे please. Meanwhile, इस प्रॉब्लम जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें आप इस प्रॉब्लम को समझ लें, एक दो दफा रीड कर लें।